दोस्तों आज हम इस वायरल हुई तस्वीर के बारे में जानेंगे, इसके पीछे का इतिहास जानेंगे। जब तालिबान ने काबुल में अफगान राष्ट्रपति आवास को काबिज किया तो एक तस्वीर ने सभी का ध्यान खींचा। इस पेंटिंग में व्हाइट कपड़ों में दरवेश से मालूम होने वाला एक व्यक्ति किसी शाही शख्स के सिर पर हाथ रखता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दे कि यह अफगानिस्तान का पहला शासक था जिसका नाम अहमद शाह अब्दाली था। यह पेंटिंग उसके राज्याभिषेक से संबंधित है। अहमद शाह अब्दाली का नाम भारत के इतिहास में भी जिक्र किया जाता है। ये वही अब्दाली है जिनके खिलाफ मराठा सेना ने पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी। ये लड़ाई अफगान सेना के खिलाफ लड़ाई गई थी। अहमद शाह अब्दाली को भारतीयों के लिए और विशेष रूप से मराठियों के लिए खलनायक माना जाता है। उन्हें अफगानिस्तान में राष्ट्रपिता कहा जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अब्दाली ने मराठों पर जीत हासिल की थी, मगर इस युद्ध में कई हजारों की जान गई थी। भारतीय इतिहास में तो अब्दाली को लोग सिर्फ टूट शासक के रूप में ही जानते, मगर अफगानियों के लिए मोतियों में मोती था। आज का जो अफगानिस्तान है वह अहमद शाह अब्दाली की ही देन है। यह एक देश के तौर पर अफगानिस्तान को एक करने वाला अब्दाली ही था। यह वजह है कि भारतीयों के लिए लुटेरा अब्दाली अफगानियों के लिए एक महान है। यह वजह है कि उसकी राज्याभिषेक की पेंटिंग अफगानिस्तान के राष्ट्रपति आवास पर लगी है।